न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नाव में सिलेंडर ब्लास्ट होने से चार लोगों की मौत। गंगा नदी में बड़ा हादसा। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा हो गया। शनिवार दोपहर बीच गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से चार लोगों की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया। शनिवार दोपहर गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से चार लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे में कई लोग घायल हो गए। नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नाव के जरिए अवैध बालू को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान बालू परिवहन में लगे लोगों के लिए नाव पर ही दोपहर का खाना बनाया जा रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और नदी के बीचों बीच आग की लपटों के चार नाव सवारों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे मेनर थाना अध्यक्ष ने चार लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना में कई नाव सवारों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि बचाव दल ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल घायलों का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। बिहार के हाल फिलहाल में ब्लास्ट की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले बीती 24 जुलाई को छापरा जिले के बोदाईबाग गांव की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिले के खैरा इलाके स्थित दोगाईबाग इलाके में यह अवैध फटाखा फैक्ट्री चल रही थी। अचानक फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ और आग लग गई। इससे नदी किनारे बनी फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह भी गया था। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया। शनिवार दोपहर बीच गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से चार लोगों की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया। शनिवार दोपहर बीच गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से चार लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे में कई लोग घायल हो गए। नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नाव के जरिए अवैध बालू को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान बालू परिवहन में लगे लोगों के लिए नाव पर ही दोपहर का खाना बनाया जा रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और नदी के बीचों बीच आग की लपटों में चार नाव सवारों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे मनेर थाना अध्यक्ष ने चार लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना में कई नाव सवारों के घायल होने की खबर भी है। बताया जा रहा है कि बचाव दल ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल घायलों का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। बिहार में हाल फिलहाल में ब्लास्ट की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले बीते 24 जुलाई को छपरा जिले के खुदाईबाग गांव की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिले के खैरा इलाके स्थित खुदाईबाग इलाके में यह अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। अचानक फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ और आग लग गई। इससे नदी किनारे बनी फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह भी गया था। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।